क्या है बजट अभी नहीं हटाया है ना, पिछले साल हट गया, पिछले पूरे साल भर चला, अब वही चल रहा है। अभी हम एनईपी 2020 के लिए काम कर रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन फेज है। एनईपी 2020 भी कंटेंट लोड कम करने की बात करती है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अभी हम एनसीएफ जो है स्कूल एजुकेशन के लिए बन रहा है, बहुत जल्दी फाइनल होगा 2024 में, तो एनईपी के हिसाब से पुस्तकें बनेंगी ना सारी। तो अभी इसको अभी क्यों कहाँ हटाया हमने, अभी इसको जी, नहीं हटाया। तो अभी अभी किसी भी बुक से नहीं हटाया। हटाया था 22-23 में, वो हमने इस साल भी जारी रखा है, क्योंकि अभी भी बच्चे पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं आए। कि अभी देखिए ना, आप खुद देखिए स्कूल में अभी क्या, स्कूल का सेशन रेगुलराइज हो गया, यूनिवर्सिटीज का हो गया क्या? अभी थोड़ा पीछे चल रहा है ना। और ये बात स्कूल पे क्यों आती है, यूनिवर्सिटीज में बोर्ड ऑफ स्टडीज होती हैं हर डिपार्टमेंट की, वो हर साल मीटिंग होती है, हर साल देखते हैं कि हमें अपने सिलेबस में कितना चेंज करना है, अपनी पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार से चेंज करनी है, करते हैं, मीटिंग होती है, उसमें तो कोई चर्चा नहीं करता, केवल ये लेकर के और फिर मुगल को लेकर के एम्फेसिस किया जाता है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, गलत है। और ये लोग क्यों करते हैं, जो करते हैं उनको पता होना चाहिए। मगर हम मुगल पढ़ा रहे हैं, जो हमारा क्लास 12th की किताब है थीम 8, वो उसको पढ़े, वो अभी भी पढ़ाया जा रहा है और क्लास 7th में भी पढ़ाया जा रहा है। दूसरी कक्षा जैसे 11th क्लास की भी, हाँ, उसमें 11th में भी पढ़ा रहे हैं। कौन जो जो हम 11th में पढ़ा रहे हैं, देखिए 11th में भी हम पढ़ा रहे हैं वही चीज। हम टाइमलाइन जो दे रखी है 11th में, 1300 से 1700 तक दे रखी है, और उसमें भी हम ये चीजें पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं बताइए। पिछले साल कौन सा ये कोई चैप्टर चैप्टर, है? अब देखिए मैंने आपको बताया दो चैप्टर थे 12th में, एक जो पिछला जो 9th चैप्टर था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये मेरे सामने किताब दिखा रहा हूँ आपको, ये हटा, क्योंकि मैंने बताया ना इसको इसलिए हटाया कि एक्सपर्ट ने समझा कि भाई राजाओं के समय काल को जानना या उनके नाम को केवल नाम और समय दे देना वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि 8th चैप्टर में किस बादशाह ने क्या अच्छा काम किया, एग्रीरियन सोसाइटी के लिए क्या किया मुगल एम्पायर में, 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या क्या काम उस दौरान का पूरा है ना इसमें, उनकी पॉलिसीज के बारे में, जमींदारों के बारे में है, किसानों के बारे में, सब कुछ तो है। जी, तो इसलिए वो रखा गया है, और उसकी बने उसके कंपेरिजन में इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि उस समय के लिए नहीं समझा गया, जब समय था बच्चों के पास तो दोनों ही पढ़ते थे ना। जब कोविड की वजह से कंटेंट लोड कम करना था तो फिर एक चैप्टर ये रखा गया जो क्या ज्यादा जरूरी है, और वो है अभी भी है, पढ़ाया जा रहा है अभी भी। ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक योजना के तहत जो कह रहे हैं यही जानेंगे कि वो योजना क्या है, हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है। एनसीईआरटी किसी पूर्व निर्धारित योजना पे काम नहीं करती, एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम को संशोधित संवर्धित करती है समय के अनुसार, और जिससे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सके उसके लिए काम करती है। ये कोई ऐसी योजना नहीं है कि इतिहास से छेड़छाड़ किया जाए, जो इतिहास है मैंने बताया ना कहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, हम पढ़ा तो रहे हैं ना, तो दो चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि उस जरूरत उस समय इतनी थी, उस समय बच्चों का लोड कम करना था, तो इसलिए एक चैप्टर रखा गया, हटाया कहाँ है पूरा चैप्टर। आगे किसी तरीके की योजना है में से कुछ विषयों को हटाने की, कोई इस तरीके के निर्देश? ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया ना कि एनईपी 2020 हमारा आ गया है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा उत्तरदायित्व एनसीईआरटी का, एनईपी 2020 जो देश की इतनी पॉपुलर एजुकेशन पॉलिसी है, पूरे देश को विश्वास में लेके ये पॉलिसी बनी है, और ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है, उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना है, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, 21st सेंचुरी की जो एस्पिरेशंस हैं बच्चों की, जो स्किल्स लाइफ लाइफ स्किल्स हैं, जो वो लाइफ स्किल्स बच्चे सीखें, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग सीखें, कोहेसिवनेस सीखें, अपने देश के बारे में जाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, अपने समाज के बारे में जाने, सभ्यता के बारे में जाने, अपनी विरासत के बारे में जाने, और एक योग्य नागरिक बने, ठीक है ना, उत्तरदायी नागरिक बने। तो अच्छे नागरिकों का, अच्छे इंसान का निर्माण करना एनईपी 2020 का विजन है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और अगले साल फिर हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के हिसाब से बनेगा और पाठ्य पुस्तकें बनेगी।